हम तो चाहते हो कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे उनकी आयु कम होते जाएगी, क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े सुचिंतक होने के दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा का मन फिर से डोलने लगा है। नीतीश कुमार के लिए उपेंद्र कुशवाहा के मन में फिर से प्यार जगा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश जी को अब एनडीए में आ जाना चाहिए, महागठबंधन का साथ छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में जब थे तब भी आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार कुछ लोगों से घिरे हुए हैं और अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए प्यार दिखाने वाले उपेंद्र कुशवाहा खुद बड़ा फैसला लेकर जेडीयू से रिश्ता तोड़ नई गठबंधन में शामिल हो गए, नई पार्टी बनाकर बीजेपी की तरफ चले गए। और अब उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से नीतीश कुमार की चिंता सताने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में इस उम्र में नहीं रहना चाहिए। जिस उम्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के चुंगुल में फंसे हुए हैं, इससे मुख्यमंत्री जी की तबीयत स्वस्थ नहीं होगी बल्कि बिगड़ जाएगी। बिहार की सियासत में यह सवाल उठा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके की बात करें? दरअसल कई तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच जो घनिष्ठता है, नजदीकियां हैं, वो दिखी है। G20 की बैठक में महामहिम के द्वारा जो रात्रि भोज दिया गया था, उस भोज में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ वाली तस्वीरें सुर्खियों में रही। और अब अमित शाह जब बिहार आए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार को कोसने के जगह लालू प्रसाद यादव और राजद को कोस के गए, उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हुआ, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को महागठबंधन छोड़कर एनडीए के खेमे में आ जाना चाहिए, जितनी जल्दी नीतीश जी उस गठबंधन को छोड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार जिस उम्र में है उस उम्र में अच्छे अच्छे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्यों नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से प्यार उमड़ रहा है। देखिए, अब मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे उनकी आयु कम होते जाएगी, क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तंग तबाह परेशान होने की स्थिति है, मेरे बड़े भाई है, मुझको थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है। इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। देखिए, अब यह विषय मेरे अकेले का नहीं है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अकेले हम अथॉरिटी नहीं है कि सवाल का जवाब हमको सीधा दे दे आपको। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।